मैंने मेरे बच्चों को तो ले लिया, हस्बैंड को भारी घसीट के ले गए, फिर मैं छुप गई सर वहां पे अंदर। बच्चों को उठाने की कोशिश करी उन्होंने? हाँ जी उठा लिया था सर, बच्चा अच्छा, तो मेरा एक। अच्छा हाँ जी, फिर मैंने उनसे लिया सर, फिर मैं स्टोर में छुप गई जाके। अच्छा, तो उनका तो पूरे परिवार को खत्म करने के इरादे से। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार, आपका थोड़ा ऊंचा बोलो जी। देखो दो बार हो गया होगा, लेकिन आप मतलब आप क्या करना है उसको न्याय दिलाना ना आपको। हाँ जी, तो आप थोड़ा ऊंचा बोलो ताकि प्रशासन में मतलब प्रशासन को ये वीडियो देखने के बाद ये एहसास हो इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। तो आप दोबारा बताना आपका नाम क्या है? पूजा। पूजा, तो एक बात बताओ पूजा जी, जब यहाँ पे वारदात हुई उस टाइम आप कहाँ पे थे? सो रहे थे। यहीं पे थे? हाँ जी। अच्छा, मतलब आप और आपके हस्बैंड जो एक रूम में थे और जो आपकी माता जी है, जो सासू माँ है, वो अलग थी। हाँ जी। तो उस टाइम क्या कुछ हुआ एक बार बताना सर। दरवाजा तोड़ दिया ये, अंदर आ गए वो। अच्छा जी। और दो ने मेरे बच्चे को गोदी लिया। अच्छा जी। और मेरे हस्बैंड को घसीट के ले गए, मैंने मेरे बच्चों को तो ले लिया, हस्बैंड को भारी घसीट के ले गए, फिर मैं छुप गई सर वहां पे अंदर। बच्चों को उठाने की कोशिश करी उन्होंने? हाँ जी उठा लिया था सर, बच्चा तो मेरा एक। अच्छा। हाँ जी, फिर मैंने उनसे लिया सर, फिर मैं स्टोर में छुप गई जाके। उनका तो पूरे परिवार को खत्म करने के इरादे से। हाँ जी, वो तो सर ये बोल रहे थे कि हाँ भी पहले इन्हें देख लो फिर अंदर जाना। पहले किनको देख लो? मेरे हस्बैंड वो छुड़वा के भाग रहे थे ना, जैसे कि वो बोल रहे थे भी पहले इन्हें देख लो फिर अंदर जाना। हाँ जी। तो एक बात बताओ जी, जो सोमवीर है, सोमवीर वैसे काम क्या करते थे? वो सब दिहाड़ी मजदूरी करते थे। दिहाड़ी मजदूरी करते हाँ जी। और अब आपका गुजारा कैसे चलेगा? पता नहीं सर। पता नहीं, आपके परिवार में और कोई है कमाने वाला यहाँ पे? कोई नहीं है सर। कोई भी नहीं? कोई नहीं। अच्छा, जो बच्चे हैं वो छोटे हैं क्या? हाँ जी। कितने कितने उम्र बच्चों की? एक साल है, एक तीन साल का। एक साल की है और तीन साल की। हाँ जी। अच्छा जी, और जब वो घसीटते हुए लेके गए तो आप बोल रहे हो आप अंदर छुप गए थे, तो आप दिखाई नहीं दिए उनको? सर उन्होंने हम वो अंदर घुसे, हम लेटे हुए थे तो उन्होंने हस्बैंड को खींचा, बच्चों को उठाया, बच्चों को तो मैंने ले लिया, फिर मैं अंदर छुप गई, वो उन्हें बाहर ले गए घसीट के। हाँ जी। वो बाहर ले गए? हाँ जी। आप अंदर ही रहे? हाँ जी। अच्छा, फिर दरवाजा बंद कर लिया आपने? दरवाजा सर बंद नहीं होता, मैं स्टोर में छुप गई, वो हस्बैंड जैसे मेरे भागने लगे ना उनसे छुट छुट के, तो बोल रहे थे भी इन्हें देख लो पहले फिर अंदर जाना। करीब कितने बजे घटना थी? 11:30। आपने बताने की कोशिश नहीं करी भाई उसको घसीट के दे तो किल्की वगैरह मारते जैसे भी पड़ोसी मारी जी खूब मारी है मारे तो फिर कोई प्रोसेस कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया? सारे मतलब ऐसे बचाने की कोशिश पूरी की भाई, मतलब क्या कुछ था उस टाइम पे? अगर आपने पता था कि भाई ऐसा हो सकता रात में? नहीं सर, मतलब सोचता भी नहीं था ऐसी घटना हो जाएगी। चलिए, और अब बच्चा जो है तीन साल का, पढ़ता तो नहीं होगा ना? अच्छा। तो इसमें आपकी क्या मानते हो कि भी इसमें उसका कसूर था या फिर लड़की का कसूर था? किसमें था? वो जो आपका देवर था जो लेके गया उसका कितना किसका कितना? सर देखो ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है, दोनों का कसूर है। हाँ जी। उनके जाने के बाद वो जैसे लेके चला गया था, कोई उनके परिवार में ऐसा कुछ लग रहा था ऐसा कुछ कर सकते हैं आऊ भाव से जैसे यहाँ से आते जाते हो कुछ ऐसा लगा होगा? कभी नहीं लगा ऐसे अचानक से, मतलब प्लानिंग के तहत उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? हां जी, बनाई थी नो बेरा अंदर फिर अंदर अपना पहले पूजा जी अपनी लड़ाई झगड़ा हुई उनसे कोई पहले इस कांड से पहले पहले को रंजिश वगैरह अगर आना जाना था पहले को? हाँ जी आना जाना था। अच्छी तरह से बोलते थे? हाँ जी। जाने के बाद भी जो लड़का लड़की गए उसके बाद? सर मैं ना इतना बाहर नहीं जाती। अच्छा। अंदर ही रहती हूँ, अगर बात बूत होती मम्मी से ही होगी। हाँ जी। तब क्या चाहते हो आप? सर इंसाफ, जितने थे फांसी दो। हाँ जी।
और अगर फांसी नहीं देगी तो प्रशासन ने कुछ नहीं किया तो फिर क्या करोगे? फिर आपके परिवार के साथ हेल्प लेकर आगे फिर इसको अंजाम दिया जाएगा आपको। हाँ जी। अच्छा जी, और अब अगर आप बात करें जो बच्चे हैं, बच्चों को किस प्रकार से आपके जो ससुर जी हैं उनको भी उनके भी हाथ काट दिए गए हैं, और अब जो आप प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहोगे इसके बारे में? तो आपके बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ तो मिलना चाहिए आपके परिवार को, ताकि परिवार अच्छी तरह से चल सके। सर पहले इंसाफ तो दिला दे हमें, बाकी और तो कुछ बाद में देंगे वो, ये तो काम कर ही नहीं रहे वो अच्छे से। इसके तो बाद की बातें हैं, एक बार तो इंसाफ ही नहीं मिल रहा। हाँ जी। अच्छा जी, अब लास्ट में क्या कहना चाहोगे आप? कुछ नहीं सर, इंसाफ चाहिए मुझे, इंसाफ दिला दो बस। ठीक है जी।